दर्शकों, अभी हमारे साथ में विधायक जुड़े हुए हैं जिला पांडुना से, उनके हम विचार जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार, प्रणाम। और सर्वप्रथम रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप यहाँ जितने भी भक्त लोग आए सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। वास्तव में बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। मुझे कई बार आमंत्रित किया गया पर कई कार्यक्रम व्यवस्थता के कारण मैं आज नहीं आ पाया। आज मैंने बहुत समय निकाला, निश्चित रूप से मैंने कहा वास्तव में देखना चाहिए कि क्या होती है सच्ची सेवा भक्ति। तो आज यहाँ आने के बाद मध्य प्रदेश का एक अनूठा ऐसा उदाहरण जहाँ पर 2 लाख से अधिक लोग बिना किसी पुलिस सुरक्षा के, बिना किसी प्रशासनिक लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ सारे लोग सेवा दे रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात मुझे देखने में है कि यह सामूहिक विवाह हो रहे हैं, और सामूहिक विवाह तो हो रहे हैं लेकिन अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं। ये हमारे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। समाज के प्रत्येक लोगों को इस बात से सीख लेने की ज़रूरत है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, वास्तव में पुण्य का काम हो रहा है। और ये आस्था का केंद्र के साथ साथ हमारा सेवाभावी केंद्र है। मैं सभी भक्तजनों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र से भी काफ़ी लोग आए हैं, पूरे छिंदवाड़ा पांडुना जिले से भी काफ़ी भक्त लोग हैं। उन लोगों ने भी हर साल यहाँ पर आकर के आयोजन करते, कार्यक्रम करते हैं। पुनः मैं आप सबको बधाई देता हूँ। सर, यहाँ पर शादी जो हुई है उसमें दहेज भी नहीं लिया गया है, उसमें उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी प्रथा है, दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। सामाजिक कुरीतियाँ, ये सामाजिक बुराई है। निश्चित रूप से ऐसे आयोजनों से समाज को एक सीख मिलती है। और एक बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि यहाँ पर इस प्रकार के आयोजन अगर सामूहिक विवाह अगर होते रहे तो एक पूरे देश में क्रांति आएगी, और सामूहिक विवाह होंगे और दहेज प्रथा बंद होगी। सर, ये जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, 3 दिन जो समागम चलने वाला है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ये जो व्यवस्था है वो कैसी लगी? व्यवस्था इतनी जोरदार लगी कि वास्तविक रूप में मध्य प्रदेश में तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा अनुकरणीय उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिला। और कभी ये लोग किसी से चंदा नहीं लेते, ना नेताओं से चंदा लेते हैं, ना अधिकारियों से चंदा लेते हैं, ना किसी सामान्य व्यक्ति चंदा लेते हैं। ये भक्तजन स्वयं अपने राशि से, स्वयं अपने पास की पूंजी से ये सब इतना बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन होता है। वास्तव में मन बड़ा प्रफुल्लित है और गदगद हूँ मैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।